सर्वप्रथम हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष एक वृत्तांत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वृत्तांत कुछ इस प्रकार है कि मैं विमान में बैठा था और मैंने विमान की परिचारिका से पूछा कि इस विमान पत्तल से प्रस्थान करने का निर्धारित समय क्या है। तो मेरे आगे वाली पंक्ति में बैठे वशिष्ठ कायाधारी ने अपनी काया को पूर्णता कष्ट देते हुए मेरी तरफ देखा और मैं समझ गया कि वो कहना चाहते हैं कि यदि मैंने यही अंग्रेजी में व्हाट इज द डिपार्चर टाइम पूछा होता तो उन्हें इतना कष्ट ना होता। इसीलिए मैं अब कुछ विमान ऊंचाई पर था और मैं समझ चुका था, इसीलिए मैंने लिखा कि तुम्हारे कद की ऊंचाई लोग उड़ उड़ कर देखेंगे, महक किरदार में होगी तो सभी जुड़ जुड़ कर देखेंगे। अंग्रेजी का पतियाना कहो अब कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो लोग मुड़ मुड़ कर देखेंगे। सनक अनूठी भूमि का अनुमान समझना मुश्किल है, इस भूमि की पावनता का परिधान समझना मुश्किल है। यूं तो भारत का कोना कोना घूम रहे हो पर बिन हिंदी जाने हिंदुस्तान समझना मुश्किल है। एक व्यक्ति जब हिंदुस्तान को समझ जाएगा तो वो एक विकसित हिंदुस्तान में रहना चाहेगा। इसी की परिकल्पना लिखते हुए, इसी का मार्गदर्शन करते हुए मैंने एक नई कविता लिखी और ये कविता ज्यादा पुरानी नहीं है। यह कविता 15 अगस्त की पूर्व संध्या को लिखी गई है और इस कविता में उस भारत के सशक्तिकरण की बात है, उस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की बात है जिस भारत में हम सब जीते हैं। प्रस्तुत है कविता, जिस कविता का शीर्षक है भारत विकसित संकल्प की। कविता कुछ इस प्रकार है, इतिहास खुद में ही इतिहासी, क्या मैं समझू मैं अविनाशी, ना मैं ना समझू मैं अविनाशी, बस रचू उस भारत की राशि जो वीरों की है पटरानी, श्रेष्ठों की जो महारानी, हर राही से बतलाऊंगा एक ऐसा राष्ट्र बनाऊंगा, जो होगा एक विश्व विभूति, बनेगा वह मानवता मूर्ति, होगी मर्यादा सर्वोत्तम, तकनी के भी हो सर्वोत्तम, वह विश्व गुरु कहलाएगा, मानव गुरु बन जाएगा, जहां हो विज्ञान गणित सब ना हो अब अज्ञान तनिक भर, सांख्य हो चाहे हो योग, संस्कृति को ना हो अभियोग, अब ऐसा राष्ट्र बनाना है जिसे दुनिया को समझाना है कि भूतकाल भारत ना अब वह स्वर्णकाल भारत हो, अब जो विकसित होगा हर तरफ से, जहां हीरे बन जाए स्वतः से, तकनीकों का आविष्कारी आवासी हो जहां ब्रह्मचारी, कलाम का जो था संकल्प सोचता हूं बस वह पल पल, इतिहास ना दोहराऊंगा पर नव इतिहास बनाऊंगा, क्योंकि खंडित भारत की अखंडता, विकसित भारत की अक्षुण्णता, युवा की राष्ट्र भावना, नारी विकसित संभावना, किसान पूर्व समस्या, समाज की जो अक्षम्यता, इन सब की पीड़ाओं से लड़कर, कुरीतियों से लड़ झगड़कर एक संयुक्त समाज बनाना होगा, कुपित बातों को झुठलाना होगा, क्योंकि यह संकल्प है मित्रों, आजादी का स्वर्णिम चित्रो, आजादी का स्वर्णिम चित्रो। आते जाते एक अंतिम मंत्र बताता हूँ, यही बार बार दोहराता हूँ कि हम महाराणा के चेतक हैं, हम भारत के अनिवेशक हैं, हम शिवाजी की चेतनता हैं, हम भारत की अचिंतता हैं, हम शिव के डमरू का डमडम, हम भारत का हर कदम कदम, हम आजाद हिंद के सैनिक हैं, हम भारत के रक्षक दैनिक, हम शेखर के वह कीर्तिमान, हम भारत के हो सूत्रधार, हम अटल जी के हिंदी तन मन, हम ही से है भारत चिंतन, चाहे तो पृथ्वी में आग लगा दे हम, क्योंकि हम भारत की ही संपत्त, चलो ले ले अब एक उड़ान, चलो ले ले अब एक उड़ान, पुनः बनाए भारत महान, पुनः बनाए वह अखंड हिंदुस्तान। धन्यवाद।